अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्ल्ड कप 2019 का छठा मैच 3 जून 2019 को खेला जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना पहला मैच वेस्टइंडीज से हार चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना नेक्स्ट मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि ये इंग्लैंड का होम ग्राउंड है। इंग्लैंड अपना पहला मैच में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह शिकस्त दे चुकी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये बहुत बड़ा मैच होगा। दोस्तों, ये मैच 3 जून को खेला जाएगा, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:30 पर शुरू होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी टीम के 11 खिलाड़ी जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 3 तब्दीलियाँ मतवक्को हैं, मतवक्को की जा रही है हारिस वेल की जगह शुएब मलिक को और स्पिन शुदाब खान की जगह आसिफ अली और हसन अली की जगह मोहम्मद हुसैन को शामिल किया जा सकता है। अगर ओपनर बल्लेबाजों की बात की जाए तो इनमें नंबर 1 पे फखर जमान का नाम आता है और इनका साथ देंगे इमामुल हक। 1 डाउन बल्लेबाज में बाबर आजम है और 2 डाउन में मोहम्मद हफीज है। अगर मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बात की जाए तो इनकी जगह शुएब मलिक, आसिफ अली और सरफराज अहमद संभालेंगे। क्योंकि शुएब मलिक एक सीनियर प्लेयर हैं और इनकी इस मैच में इस वापसी इसलिए हुई है कि काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। आसिफ अली एक हार्ड हिटर प्लेयर हैं और ये काफ़ी छक्के लगा के पाकिस्तानी टीम में जीत के लिए एक नुमाया रोल प्ले कर सकते हैं। सरफराज अहमद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं और एक अच्छे बैट्समैन भी हैं। अगर स्पिनर की बात की जाए तो इनमें अमाद वसीम का नाम आता है और अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए तो मोहम्मद हुसैन, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर हैं। वहाब रियाज क्योंकि ड्राई पिचों पे रिवर्स स्विंग का काफ़ी रोल प्ले करते हैं, मोहम्मद आमिर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। हालिया मैच के अंदर उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दोस्तों, आपके ख्याल के मुताबिक ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर अदा कीजिए।